आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो ई नंबर जो आप लोग हमें सेंड करते हैं, आया ये वीजा होता है या क्या चीज होती है, इसकी सच्चाई क्या है। जो एजेंट हजरात या जो फ्रॉड करने वाले हैं, आप लोगों को ये ई नंबर इशू करवा देते हैं और आप इस पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये वीजा लगा हुआ है और आप लोग उनको पैसे सेंड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेजबान कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ई नंबर क्या होता है, आज इस हकीकत से पर्दा उठाऊंगा ताकि मेरे जो भाई बाहर की मुल्क काम करना चाहते हैं और गलत एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं और उनके अपने पैसे बर्बाद कर बैठते हैं, ई नंबर वो लोग इशू कर देते हैं और आप लोग उनको पैसे सेंड कर देते हैं। मैं इस वीडियो को आज इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आज 3-4 ई नंबर सेंड मुझे लोगों ने सेंड किए और बताया कि ये हमारा वीजा चेक करके बता दें कि हमारा वीजा लग गया है या नहीं लग गया, ये रियल है या फेक है, ताकि हम एजेंट हजरात को पेमेंट सेंड कर दें, वो हमसे जैस कैश मांग रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप लोग जब भी कहीं से वीजा लेते हैं तो काइंडली आप लोग जैस कैश पे काम ना किया करें, जैस कैश के थ्रू पैसे सेंड मत किया करें। जिसे भी वीजा लेते हैं उनके ऑफिस जाके मिला करें और हैंड टू हैंड फेस टू फेस बैठ के पेमेंट उनको दिया करें। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप लोग जब पैसे इनको ऑफिस की डिमांड करेंगे, हम आपके ऑफिस आके आपको पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, तो जो रियल काम करने वाले होंगे तो वो आपको कह देंगे जी वेलकम, हमारा ऑफिस ये है, हमारा एड्रेस ये है, आपको लोकेशन सेंड कर देंगे। और जो फेक काम करने वाले हैं वो आपको बातों में लगा देंगे या आपकी बात टाल देंगे या आपको कॉल कट कर देंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे। वो समझ जाएंगे कि आप लोगों को पता चल चुका है या आप लोगों ने किसी की वीडियो देख ली है या मेरी ही वीडियो देख ली है और यही बातें आप उनसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहचान यही होती है। लेकिन अभी जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आप लोगों को ई नंबर इशू करवा देते हैं जिसकी वजह से आप लोग कहीं पे भी चेक करवाते हैं तो वो आपको जो भी बताने वाला होता है वो बताता है जी कि आपका ई नंबर बिल्कुल ठीक है और आप लोग उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ई नंबर इशू करवाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो फ्रॉड कर रहे हैं वो थोड़े से चंद पैसे देकर ई नंबर इशू करवा लेते हैं और जब आपका ई नंबर इशू हो जाता है तो वो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये ले जी आप जाके मर्जी चेक जहाँ मर्जी चेक करवा लें, और वो जब कहीं पे चेक होता है तो वो ठीक होता है तो आप लोग उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं और आप जैस कैश के जरिए उनको पेमेंट सेंड कर देते हैं। देन उसके बाद फिर वो आप लोग को मजीद और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि फिंगरप्रिंट होंगे आपके, अब ये होगा या वो होगा, उसके बाद मजीद आपसे जितनी पेमेंट वो निकलवा सकते हैं वो आपसे निकलवा लेते हैं। देन उसके बाद जब उनको आपको भी समझ आना शुरू हो जाती है कि हमारा काम लेट हो रहा है और फिर आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, फिर आप सर्च करते हैं गूगल पे जाके, यूट्यूब के ऊपर, दोस्तों से जानने वालों से पूछते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि हमसे फ्रॉड हो रहा है, फिर आप उनसे कोई बात करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और ख़त्म, और आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि खादमीन हरम शरीफ के हवाले से वीज़े पाकिस्तान में अभी फिल वक्त नहीं है, इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की उसमें मैंने बताया है कि क्यों नहीं वीज़े आ रहे, तो आप काइंडली जो देख रहे हैं वो वाली वीडियो भी लाजमी जाके देखिएगा। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। ई जो नंबर आपका इशू होता है वो वीजा नहीं होता। सबसे पहली बात है जो हमें आज लोगों ने सेंड किया, उनमें बता रहे थे वो कि पूछ रहे थे कि भाई ये चेक करके बता दें हमारा वीजा लग गया या नहीं लगा, तो वो वीजा नहीं होता। मैंने अपनी कुछ वीडियो में बताया हुआ दिखाया हुआ भी कि वीजा कैसे इशू होता है, वो पेपर कौन सा होता है, ये जो आप मुझे सेंड कर रहे हैं ये मैं आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ कि ये इसे कहते हैं ई नंबर, इसका मतलब ये नहीं होता कि वीजा होता है। तो आप अगर कोई और भी इस बारे में किसी के पास कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं, या कोई ऐसे एजेंट आपको ऐसा कुछ सेंड करते हैं ई नंबर तो आप हमें वो चेक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया, वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह वो चेक करके बता देंगे कि वो रियल है फेक है। लेकिन बस फिलहाल अपनी जेल में रखेंगे खादमीन के वीज़े नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई और वीज़ा आप ले रहे हैं उसका ई नंबर इशू करवाना हो या वीज़ा चेक करवाना हो तो उसके लिए हमारी खिदमत हासिल है, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात यह कि टाइमिंग का आपसे मैंने बात करनी है कि टाइमिंग को मद्देनजर लाजमी रखा करें। तो टाइम की बात कर रहा था कि आप लोग टाइम का लाजमी ख्याल रखा करें। मैं जो नंबर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर रब्ता करते हैं। कई भाई ऐसे होते हैं कि वो मजीद परेशान करते रहते हैं। हम भी हमारा इंसान है, हमारी भी लाइफ है, हमारे भी खुशी गमी होती है, हम भी कहीं ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पे हम लोग आपको रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आप लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि जी मर्जी है आपकी, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आप ऐसी बातें करते हैं, तो हम लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर हमारा भी दिल नहीं करता कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। तो आप भी समझा करें, ये मतलब ये नहीं कि आप लोग अगर फ्री हैं तो हम भी फ्री होंगे, अगर आप जाग रहे हैं तो हम भी जाग रहे होंगे, आप सो रहे हैं तो हम भी सो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। खुशी गमी सबके साथ है, तो अगर हम रिप्लाई नहीं कर रहे तो आप सोचें कि जब वो फ्री होंगे या बिजी होंगे, अभी नहीं कर रहे रिप्लाई, तो जैसे ही वो आपका एसएमएस हम लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आप लोग काइंडली माइंड ना किया करें और उसका कोई नेगेटिव ना सोचा करें उसके बारे में, बस ये सोचा करें कि हम भी बिजी होंगे, लेकिन जैसे इंशाल्लाह फ्री होते हैं आपको रिप्लाई कर देते हैं हम।
तो टाइम के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ बात कर ली है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखा करें। और सेकंडली जो बात है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हम अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह के नबी के दर पर जाएं और वहाँ के गुलाम बने और वहाँ की सफाई सुथराई का काम करें, तो इस मसले में आप लोग जज्बाती ना हो जाए करें। कोई आपको ऑफर दे देता है, यहाँ पे एक बंदे के रेफरेंस होता है, आगे कोई तीसरा या चौथा बंदा फिर वो वीजा दे रहा होता है, उस मासूम शख्स को भी ये नहीं पता होता कि जो आखिरी में जो वीजा देने वाला है वो फ्रॉड कर रहा होता है। तो आप लोग इस चीज को लाजमी सर्च किया करें, कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं, कोई ऐड देखते हैं तो उसमें 4, 5, 6, 10 लोगों से लाजमी पूछा करें। लेकिन हम लोग किसी से पूछते नहीं, हम कहते हैं यार खुदा ना खासा नजर लग जाएगी या हाई लग जाएगी या वीजा नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मजीद नुकसान से तो आप बच जाएंगे, कोई आपको अच्छा मशवरा ही देगा। तो आप लोग ये काम किया करें, सर्च कर लिया करें, नेट पे हर चीज मौजूद है आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप वहां पे लाजमी देखा करें। इसके अलावा भी अगर कोई बात जहन में आती है, कोई सवाल आता है, तो वीडियो पे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दिया जाएगा। ई नंबर के हवाले से मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन आपका शेयर कर दी है। ई नंबर और ई वीजा दोनों में बहुत फर्क है। ई वीजा जो होता है वो वीजा होता है, वो आपका वीजा लग चुका होता है। ई नंबर होता है वो कोई भी किसी का भी किसी टाइम भी इशू हो सकता है, तो इसको वीजा नहीं समझना आपने। तो काइंडली इस चीज को गौर से आप सुन लें, दोबारा समझ लें, वीडियो को देख लें, समझें, फिर किसी से आप बात करें, पूछें, मशवरा करें। कोई बात समझ में नहीं आती तो आप उसको इग्नोर कर दें, उस एड को जो आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई जहन में बात है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। इसी के साथ अपने भाई हाजी कामा खान को दे इजाजत, और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामा खान। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने, ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।